अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब पर। आप देख रहे हैं इस वक्त ज़की ग्राफिक। तो गाइज, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका इलस्ट्रेटर में कोई प्रॉब्लम है आपकी सेटिंग में, तो उसको अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो वो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इसको रीसेट कैसे कर सकेंगे। और इसी तरह आपका रीसेट करने के बाद अडोब इलस्ट्रेटर बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा जिस तरह आपने फर्स्ट टाइम जो इसको इंस्टॉल किया था, तो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होता है, तो बिल्कुल उसी तरह उसके बाद हो जाएगा। अगर आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग या कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एक फ़ाइल को रिमूव करेंगे, उसके बाद आपका अडोब इलस्ट्रेटर बिल्कुल उसी हालत में आ जाएगा जिस तरह आपने इसको फर्स्ट टाइम में इंस्टॉल किया था। तो गाइस, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने इलस्ट्रेटर को जो है वो क्लोज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने आपने जाना पीसी में, माय कंप्यूटर में चले जाते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा व्यू का, और यहाँ पे अगर आपका ये हिडन आइटम्स जो है अगर अनचेक है, तो इसको आपने इस पर चेक लगा लेना कि आपकी जो फाइल्स हैं हिडन है वो सामने आ जाए। तो ये करने के बाद गाइस आपने क्या करना, सी ड्राइव में चले जाना। जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा यूज़र, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और करने के बाद यहाँ पे आपने जो अपने पीसी का जो नाम रखा है वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। तो मेरा फ़िलहाल ये है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस आपको बहुत सारी फाइल्स इधर मिल जाएंगी, लेकिन आपने जस्ट ये ओपन कर लेंगे ऐप डाटा वाली, और यहाँ करने के बाद आपको तीन ऑप्शन फिर तीन फाइल्स मिल जाएंगी, और नीचे वाली आपने जो फाइल है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट पे ऑप्शन पे मिल रहा है अडोब वाला, तो आपने इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने 20 और 21 को जो है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 24 और 25, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 21 को जो है वो मैंने रीसेट करना, मेरी उसकी जो सेटिंग है डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वो ख़राब है, तो मैं उसको दोबारा जो है वो रीसेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा। रिमूव करने के बाद गाइस आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे करना, यहाँ पे आपने क्या करना, बैक आ जाना है। यहाँ पे मैं क्लोज़ कर लेता हूँ इसको। करने के बाद अब दोबारा हम जो है वो अपना इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन करते हैं। मैं 21 यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास 20 है या 21, आप उसको ऐसे ही जो है वो रीसेट कर सकते हैं। अगर आप 22 भी है आपके पास, उसको भी आप इसी तरह जो है वो रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। गाइस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। गाइस प्लीज थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपन हो रहा है। ये आप फाइल डिलीट करने के बाद आपको बिल्कुल उसी तरह मिलेगा, इसकी सेटिंग मिलेगी जिस तरह आपने फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल किया था, तो नॉर्मल हालत में आपको जो है वो इसकी सेटिंग मिली थी, बिल्कुल आप इसी तरह ही आपको अभी भी मिलेगी। तो गाइस अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग दोबारा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आपका कोई टूल वर्क नहीं कर रहा, आपकी सेटिंग ख़राब है, तो आप बिल्कुल यही फाइल को आपने डिलीट करना जस्ट, और अपना इलस्ट्रेटर को वही हालत में लेके आ सकते हैं जिसमें आपने फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल किया था। तो गाइस ये ओपन हो चुका है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है वो नॉर्मल हालत में जो है वो आ गए। तो इसको फाइल को ओपन कर लेते हैं हम।
तो गाइस जब मैंने देख ओपन कर लिया, और जब हम फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करते हैं तो बिल्कुल इसकी ये सेटिंग होती है। मैंने पहले अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग की हुई थी, लेकिन मेरी सेटिंग में थोड़ा मसला आ गया था, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने दोबारा इसको रीसेट कर दिया। और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आपके भी अगर अडोब इलस्ट्रेटर में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप भी अपनी सेटिंग को दोबारा रीसेट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप इसको दोबारा इंस्टॉल करें, बहुत सारा टाइम लगता है, तो इसलिए अपने टाइम को बचाने के लिए आप जस्ट वो फाइल को डिलीट कर दें और अपने इलस्ट्रेटर को बिल्कुल नॉर्मल हालत में लेके आ सकते हैं, और आप अपनी मर्जी से इसकी दोबारा सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।